दीप्ति राजपूत फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इवेल्युएशन ऑफ रियल बीफाइनाइट इंटीग्रल बाय कंटूर इंटीग्रेशन। इससे पहले हम लोगों ने कॉसी रेसिड्यू थ्योरम पढ़ा था और कॉसी इंटीग्रल थ्योरम पढ़ा था, वो दोनों ही थ्योरम आप इसमें यूज़ करेंगे। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मे बी आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने से पहले वो दोनों टॉपिक आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो थ्योरम है, जो फॉर्मूला है, वो इसमें भी यूज़ होने वाला है। सबसे पहले आप एक नोट लिख लीजिए, ये चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली है। पहले ही आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जो बेस होता है उसमें जेड इज इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, ई टू द पावर आई थीटा, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से जब हम लोग जेड का कॉन्जुगेट निकालते हैं, जिसको जेड बार या वन अपॉन जेड से भी डिनोट करते हैं हम लोग, वो क्या होता है, ई टू द पावर माइनस आई थीटा, जिसको कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। फिर जब हम जेड प्लस जेड बार करते हैं तो वो वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है, और आप लोग जानते हैं कि ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, जहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा आ जाएगी। उसी तरीके से जब आप जेड माइनस जेड बार करोगे तो ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई टू आई होता है इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। इस वैल्यू से क्या आएगी, टू आई साइन थीटा वैल्यू आ गई हमारी। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसको आपको कंटूर इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको उसको सॉल्व करना है। ये डिफाइनाइट इंटीग्रल के फॉर्म में है ये क्वेश्चन, क्या है, शो दैट जीरो इंटीग्रल जीरो टू टू बाई डी थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू टू बाई अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको प्रूव करना है कि डिफाइनाइट इंटीग्रल किसके इक्वल है, टू बाई अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। तो हम लोग सबसे पहले तो डिफाइनाइट इंटीग्रल को चेंज करेंगे कंटूर इंटीग्रल। तो मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू क्या है, e टू द पावर i थीटा है। z को जब हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा dz इज इक्वल टू i e टू द पावर i थीटा d थीटा। यहाँ से d थीटा की वैल्यू यदि मैं फाइंड करती हूँ तो आएगा आपका डी जेड अपॉन आई ई टू दी पावर आई थीटा, जो कि किसके इक्वल है, जेड के। तो ये हो गया डी जेड अपॉन आई जेड हो गया। और यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है। कॉस थीटा को वहाँ से देखिए आप फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, आप जेड प्लस वन अपॉन जेड डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन में रख देते हैं इंटीग्रल में, डिफाइनाइट इंटीग्रल में, तो ये बन गया कंटूर इंटीग्रेशन बन गया है सबसे पहले तो। फिर डी थीटा की को किससे रिप्लेस करना है आपको, डी जेड अपॉन आई जेड से रिप्लेस कर दिया। ए प्लस बी कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, वन बाई टू जेड प्लस वन अपॉन जेड है। इसको सॉल्व करते हैं, आई वन अपॉन आई क्या है, कॉन्स्टेंट है तो कॉमन निकल गया। डी जेड इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा टू ए जेड प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस वन जेड, टू कॉमन निकल गया। अब ये आ गया वन अपॉन टू आई डी जेड, ये जेड जब मैं अंदर लेके जाऊंगी तो ये बन गया टू ए जेड प्लस, यहाँ जेड था तो ये कैंसल हो गया, जेड कितना आया बी जेड स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन टू आई इंटीग्रेशन। इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीक्वेंस में सेट कर लेती हूँ तो ये आएगा बी जेड स्क्वायर, बी कॉमन ले लेती हूँ यदि मैं, तो ये आएगा जेड स्क्वायर प्लस टू ए अपॉन बी प्लस वन, और बी कहाँ आ गया, कॉमन आ गया, टू आई बी हो गया यहाँ पर। अब बाय रेसिड्यू थ्योरम
जानते हैं कि जो बेस में है उसको हमें किसके ऊपर लेंगे, जीरो के, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको वो पॉइंट चाहिए, सिंगुलर पॉइंट चाहिए, जिसकी वजह से क्या निकालेंगे हम, रेसिड्यू निकालेंगे। तो इसको मैंने जीरो के इक्वल ले लिया। देन यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे, तो जेड इज इक्वल टू, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। कंपेयर करो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो बी की जगह पे क्या दिया हुआ है, टू ए अपॉन बी, यहाँ क्या आ गया माइनस टू ए अपॉन बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर टू ए, तो फोर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया माइनस फोर ए सी, ए की वैल्यू कितनी है वन है, सी की वैल्यू भी वन है, तो कितना हो गया माइनस फोर अपॉन टू। टू कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, ये आया माइनस टू ए अपॉन बी प्लस माइनस, यहाँ से टू कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। टू को कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो फाइनली हमको z इज इक्वल टू मिल रहा है a अपॉन b प्लस माइनस, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर बाहर निकल के क्या बचेगा 1 अपॉन b। ठीक है, यहाँ से आप कंपेयर करेंगे दो रूट्स मिलेंगे आपको, अल्फा इज इक्वल टू मिल रहा है आपको माइनस a अपॉन b प्लस 1 अपॉन b रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बीटा मिल रहा है आपको माइनस ए अपॉन बी माइनस वन अपॉन बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि अल्फा और बीटा हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है, तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ लिख सकते हैं, क्या होगा आपका इंटीग्रल बन जाएगा वन अपॉन टू आई बी इंटीग्रल डी जेड अपॉन, इतनी बड़ी वैल्यू को लिखने से अच्छा है आप इसको लिख सकते हैं जेड माइनस अल्फा एंड जेड माइनस बीटा लिख सकते हैं। ठीक, फिर आते हैं हम लोग कॉसी रेसिड्यू थ्योरम पे, बाय कॉसी रेसिड्यू थ्योरम, आपकी जो इंटीग्रल की वैल्यू होती है एफ ऑफ जेड डी जेड वो इक्वल होती है टू पाई आई आर वन प्लस आर टू प्लस एन सो वन आर एन के, ये आर वन प्लस आर टू प्लस आर एन क्या है, रेसिड्यूज है, और रेसिड्यू आप कैसे निकालेंगे, लिमिट z टेंस टू a एफ ऑफ z माइनस a एफ ऑफ z, ये होता है फॉर्मूला। आर वन लिमिट, सबसे पहले आपका a पॉइंट क्या निकला है अल्फा, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको z टेंस टू अल्फा के लिए, यहाँ आप वैल्यू रखोगे z माइनस अल्फा, एफ ऑफ जेड की वैल्यू आप यहाँ से देख लीजिए क्या है वन अपॉन जेड माइनस अल्फा एंड जेड माइनस बीटा, ये दोनों कैंसल हो गए। जेड माइनस बीटा में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जेड की वैल्यू क्या रखनी है अल्फा, तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या फाइंड हुई थी वन अपॉन माइनस ए अपॉन बी प्लस वन अपॉन बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बीटा की वैल्यू क्या है ए अपॉन बी माइनस, फिर ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा वन अपॉन बी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो गए, ये कितना आएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अपन सेकेंड रेसिड्यू निकालेंगे, आर टू इज इक्वल टू लिमिट सेकेंड पॉइंट में हमारा ए की वैल्यू थी बीटा
टेंस टू बीटा, तो ये हो जाएगा जेड माइनस बीटा। एफ ऑफ जेड की वैल्यू 1/z माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा थी। जेड माइनस बीटा कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करने पे ये आएगा बीटा माइनस अल्फा। बीटा की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस अल्फा की वैल्यू थी ए अपॉन बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। यहां से फिर से माइनस ए बी ए अपॉन बी और प्लस ए अपॉन बी कैंसल हो गया, यह आएगा माइनस टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, जो कि ऊपर चला जाएगा। इसके बाद फाइनल हम लोग आ जाते हैं फॉर्मूले से, ऑसिलर से, थ्योरम से। ये होता है टू पाई आई आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। आर वन की वैल्यू कितनी आएगी अपनी, बी अपॉन टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा।